बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी की अगुवाई में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चौबिन चौक में जुलूस निकालकर खूब जश्न मनाया। महिला कार्यकर्ताओं ने नाच गाने गाकर व डीजे की धुनों में खूब थिर की। इस मौके पर विधायक मुल्कराज प्रेमी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, सीएम जयराम ठाकुर द्वारा करवाए गए विकास व बैजनाथ भाजपा मंडल, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा आदि के कार्यकर्ताओं द्वारा एकजुट कार्य तथा जनसंपर्क को दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले इस बार दोगुना लीड दिलवाकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके लिए उन्होंने बैजनाथ की जनता का धन्यवाद व आभार जताया है। इस अवसर पर अनिल शर्मा, जय गोपाल, दिलीप पहल, प्रदीप चौहान, अमन सूद, डॉक्टर विनोद गुलियानी, संजय सोनी, अजय राजपूत, वीरेंद्र राणा, आशुतोष छाबड़ा, निर्मला धरवाल, अंजू कटोच, सुनीता राणा, सीमा चौधरी आदि मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की रिकॉर्ड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर की जीत पर अनुराग ठाकुर को कंधों पर उठाया और उसके बाद खूब जश्न मनाया और साथ ही उन्होंने पटाखे भी चलाए। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी इस बार रिकॉर्ड मतों से विजय हुए। रिमझिम बरसात के फुहारों में कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने नारा दिया था अब के बार चार की चार और जनता के आशीर्वाद से हिमाचल में कमल का फूल खिला है, ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में तीन विधानसभाओं के मतगणना की गई, जिसमें भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को बहुमत मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी प्रकट की और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ठाकुर रविंदर सिंह रवि ने बताया कि सबसे पहले पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूं और नरेंद्र मोदी व अमित शाह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश में सदियों बाद लगातार बहुमत प्राप्त हुआ है। यह केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी की नीतियों को, जिससे पार्टी के अंदर जोश भरा हुआ है, जिसका परिणाम है ये आम जनता व कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जितनी भी योजनाएं पूरे देश के लिए बनाई गई, सबका साथ सबका विकास लेकर जो बनाई गई है, ये जीत उसकी है। ये जीत राष्ट्रभक्ति की जीत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार बनी है, जिसमें केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ मिला है, ये उसी का परिणाम है। और सबसे अहम बात ये भी है कि विश्व में मोदी मोदी छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने एक नया आयाम स्थापित किया है, जो परिणाम सामने आए हुए हैं, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। जिला सोलन से भाजपा को भारी लीड मिली, जिसके तहत कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। शुरुआती तौर में भाजपा को कम लीड मिल रही थी, लेकिन बाद में ये लीड लगातार बढ़ती गई। सोलन में भाजपा को सबसे कम 16,188, कसौली में 17,488, दून से 20,745, अलकी से 29,454 और नालागढ़ में सबसे अधिक 39,970 की लीड मिली। जिला सोलन में विजय हासिल कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और विजय रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ शूलिनी मंदिर से किया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। इस मौके पर विशेष तौर में सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सोलन वासियों ने देश के सुनहरे भविष्य के लिए
भाजपा को बहुमत दी है। यही वजह है कि पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। उन्होंने बताया कि ये विजय राष्ट्रवाद की विजय है। ये आज सोलन में उत्सव का माहौल है और सभी कार्यकर्ता खुश हैं। वहीं सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि मोदी लहर सुनामी में परिवर्तित हो चुकी है, इसलिए आज समूचे भारत में कमल खिल चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते रहे, यही कारण है कि आज देश ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है और भाजपा को फिर से जीत हासिल हुई है।